2023 इज द ईयर जहाँ पे एक साथ CGL CHSL दो दो साल का कंडक्ट किया हुआ जाएगा, इंक्लूडिंग CGL 2022 का टायर 2। द न्यू एस्पिरेंट्स है जिन लोगों को पता ही नहीं है कि CGL CHSL कैसे देंगे, और जिन लोगों को ये तो पता है कि WBCS क्या होता है, IAS क्या, UPSC क्या होता है, बट उन लोगों को बहुत कम नॉलेज है कि CGL CHSL क्या होता है। अगर आप CHSL क्वालिफाई करते हो तो आपका जो बेसिक मिनिमम जो सैलरी आएगा 2400 ग्रेड पे का, अभी वो है करीबन 45K के प्लस हाथ में। तो CGL 2020 SSC का 2023 का कैलेंडर इज आउट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो है 2023 में बहुत एग्जाम्स होने वाला है। CGL 2022 का टायर 2 का रिजल्ट, टायर 1 का रिजल्ट आएगा, फिर टायर 2 होगा। CHSL 2022 is dated on March 2023, CHSL 2023 July August 2023, CGL 2023 का टायर 1 होगा June July 2023। तो 2023 is the year जहां पे एक साथ CGL CHSL दो दो साल का कंडक्ट किया हुआ जाएगा, including CGL 2022 का टायर 2। बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है ऐसा क्वेरीज जो न्यू एस्पिरेंट्स है। अब पहले मैं इस बात बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा मैं अपने घर में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप का कोचिंग स्टार्ट किया है CHSL CGL का, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो नीचे लिंक फ्लैश हो रहा है। ऑनलाइन कोर्सेज आर प्रेफरेबल, क्योंकि इफ यू आर इंटरेस्टेड और कलकत्ता के मेरे घर के नजदीक ही रहते हो तो ठीक है, बट अगर आप जानना चाहते हो और भी, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी है, वहां पे जाके क्वेरी करो। बट जो क्वेरी मुझे मिल रहा है कि बहुत ज्यादा न्यू एस्पिरेंट्स है जिन लोगों को पता ही नहीं है कि CGL CHSL कैसे देंगे, और जिन लोगों को ये तो पता है कि WBCS क्या होता है, IAS क्या, UPSC क्या होता है, बट उन लोगों को बहुत कम नॉलेज है कि CGL CHSL क्या होता है। और सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो है SBI PO, SBI क्लर्क। तो बैंक वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है, तो बैंक में सब लोग जाने वाले हो, लेकिन SSC CGL का कुछ ज्यादा वो डिफरेंस नहीं है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं है, इसलिए तुम लोगों को भी पता नहीं है। मैं भी जब बैंक में काम करता था, IOB में काम किया, मैं 3 साल IBPS CWE 5 या 4 देके मैं सिलेक्टेड हुआ, तो मैं भूल गया है। तो वहां पे भी मुझे बहुत कम नॉलेज था रिगार्डिंग SSC एग्जाम्स, और बहुत ज्यादा नॉलेज था रिगार्डिंग बैंकिंग एग्जाम्स। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि BCS का मैथ्स और CGL का मैथ्स एक है, ये है वो है, बहुत सारा नए वाले कैंडिडेट्स आने वाले हो, नए कैंडिडेट्स जो आने वाले हो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ही हाई है कि CGL CHSL से क्या होता है, WBCS UPSC ये सब है, ये सब एग्जाम से क्या होता है, ज्यादा सैलरी भी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो एब्सोल्युटली उन लोगों के लिए है जो CGL CHSL देने वाले हो इस साल। उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप CHSL क्वालिफाई करते हो तो आपका जो बेसिक मिनिमम जो सैलरी आएगा 2400 ग्रेड पे का, अभी वो है करीबन 45K के प्लस हाथ में। SBI क्लर्क, SBI PO किसी में भी ये सैलरी तुम लोगों को नहीं देगा, किसी में भी। SBI में ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा 35K, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं ज्वाइनिंग में, लेकिन यहां पे 45K, 10,000 का नीट डिफरेंस है अगर 2400 ग्रेड पे मिलता है। हाँ, अगर 1800 ग्रेड पे मिलता है तो करीबन 36,000। वैसे तो MTS का जो सैलरी है, SSC MTS का स्टार्टिंग सैलरी अभी है 36K ग्रॉस में, हाथ में कम, ग्रॉस 36K, और SBI क्लर्क में 2-3 प्रमोशन मिलने के बाद शायद 36K होता है। तो कोई भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, नए बंदे हो, तो उन लोगों को मैं इनकरेज करने वाला हूं, तो गिव मोर SSC एग्जाम्स, गिव इट योर बेस्ट, क्योंकि अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है तो यू हैव हाई चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। जैसे मेरा था, I studied in an English medium school, तो मेरा English अच्छा आ गया था और मुझे literature में बहुत अच्छा scope है। बहुत लोगों को पता भी है कि मेरा खुद का गाने का channel भी है, I button और description में link है। SSC में देखा दिया था 2 बार और 2 बार ही मैंने qualify किया था, just because of this, because these two are my strengths, maths, English। अगर आपका strength ये है तो definitely give SSC exams। अब इसमें जो बहुत ही बढ़िया चांस है अभी वो है CHSL 2022 का एग्जाम, और CHSL 2022 का मुझे बहुत ज्यादा ऐसा क्वेरीज आ रहा है कि बुक्स कौन सा होगा, बुक्स में क्या पढ़ना चाहिए, बुक्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसी की वजह से मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं, जो नया एक पब्लिशर है और इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है, बहुत अच्छा एक बुक सीरीज लेके आया हुआ है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड।
अग्रवाल एग्जाम कार्ड सिर्फ CHSL के लिए ही ये बुक डिजाइन किया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज। ये बुक के अंदर क्या क्या है, आपको हर एक टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए कि CGL 2000 या CHSL 2018 में इस टॉपिक से क्या मतलब क्वेश्चन आया था, फ्रेजल वर्ब से क्या आया था, सिनोनिम्स एंटोनिम से क्या आया था, तो यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो रीजनिंग का बुक है वहाँ पे एकदम बायलिंगुअली सब कुछ दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है कि कैसे कैसे रीजनिंग आता है इन CHSL एज वेल एज इन मैथ्स। मैथ्स बहुत लोगों का वीक होता है तो मैथ्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बायलिंगुअल में आप लोग देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब कुछ है। और लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, GA में बहुत ज्यादा लोगों का मुश्किल हो जाता है और अभी CHSL CGL दोनों का ही पैटर्न चेंज हो गया है, तो GA has got a major role to play in your selection। अब GA में कैसे पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर questions कहाँ से मिलेगा, इस बुक से। सारे प्रीवियस ईयर questions दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा चांसेस है मिलने का। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो ये बुक सीरीज है CHSL का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में भी है। ये चारों बुक्स में चारों ही खरीद सकते हो, अगर GA वीक है GA खरीद सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप खरीदो, खरीद के पढ़ो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो तो ऐसे मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा CHSL। बहुत कंपटीशन है बैंकिंग में 10 times, CGL में 5 to 8 times, बट अगर आपका स्ट्रेंथ से आप मैच करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। एक बात मैं यहां पे बोल देना चाहता हूं, बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं, मैं बहुत घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 12 से 15 घंटे भी कभी कभी पढ़ लेता हूं, 5 घंटे तो मैं पढ़ता ही हूं। तो एक बोनस टिप इसी के लिए मेरा इस चैनल के लिए है, बहुत ज्यादा लोग तुम में से आप में से इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच बताना है। और सच ये है, ज्यादा वक्त पढ़ोगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो। एक बहुत अच्छा स्टोरी है जो बताता है कि द डिस्टेंस यू ट्रेवल डजंट मेजर योर स्पीड, इट मेजर्स योर टेनेसिटी टू गो। अब अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको एक ही चीज 3 घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप जल्दी पढ़ोगे, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ करना है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, घूमने जाना भी है, पार्टी शार्टी भी करना है थोड़ा सा पैसे में, और पढ़ना भी है, नौकरी भी मिलना है, तो इसी के लिए 1 to 2 hours डेली अगर तुम पढ़ते हो, मैं यही बोलता हूं, ज्यादा मेरिट के बाद में बात नहीं करता, अगर 1 to 2 hours तुम डेली पढ़ते हो तो मुझे लगता है अगर अर्जेंसी से पढ़ते हो यू विल क्रैक लाइक दिस, एब्सोल्युटली बड़ी यू विल क्रैक लाइक दिस। जब भी मैथ्स करो ये दिमाग में लेके करो कि टाइम स्टॉप वॉच ऑन करके करो, टाइमली मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाता है और यही मेनली वीक जगह है जहां पे मैं देखता हूं लोग मॉक्स नहीं देते। मॉक टेस्ट दो, प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस हार्ड, हार्ड मतलब टाइमली। और ये जो सारे जो नेबरहुड का जो जितना भी बातें हैं कि ये तो नहीं मिलता है, ये बहुत मुश्किल है, ये कैसे मिलेगा, ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तेरा अच्छा नहीं, ये तेरा बुरा है, बहुत नॉइज है बाहर में, सब बंद कर दो। Focus on inside, what's inside your strengths and weaknesses. Practice hard. And then, आप भी ऐसे कोई मकाम में पहुंच जाओगे जहां पे आप जिसको देख रहे हो, I have qualified IBPS clerk, IBPS PO, SBI clerk, SBI PO, SBI PO में last में मेरा marketing department में हो रहा था, I left that job. I left SBI PO job because I got CGL 14 में and then CGL 16 में. I have qualified almost all government exams that I have given. एक में मेरा qualification नहीं हुआ था, वो है LIC का और NICL का, ये दो exam जो है insurance का, वो मैंने qualification नहीं हुआ है मेरा, बाकी सारे exam में I qualified just because I focused on my strengths and weaknesses. अगर video अच्छा लगे तो like जरूर करना, value add हुआ तो subscribe कर देना, अगर नहीं add हुआ तो dislike कर देना, और अगर कोई भी comment, कोई भी queries है नीचे जाके कमेंट करो। दिस चैनल इज फॉर ओनली यू गाइस, मेड फॉर SSC का इंस्टा फेसबुक टेली जरूर जाके फॉलो करो। पर्सनल कोचिंग क्वेरी के लिए मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डू योर बेस्ट बट अल्टीमेटली रिमेंबर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट, अदरवाइज
सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर इंक्लाइन करते हो तो ऐसे 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 आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, एंड दैट्स अ ट्रूथ माय फ्रेंड. सो इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अंटिल देन दिस इज प्रत्यय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टाटा गुड बाय, ऑल द बेस्ट.